और अपनी सारी शक्ति लगा दो अपनी तैयारी में। पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, पैदल चले आओ यहाँ से उन्नाओ, फिर भी नहीं कर रहा है लखनऊ तक चले आओ। अपने मन से पूछो कि अब कर रहे हो, ये पढ़ते वक्त ही क्यों मूड फ्रेश करने की मांग उठती। बाबा प्रचार ही कर रहा था बुलडोजर पे खड़ा होकर, बाबा का अगला चुनाव चिन्ह बुलडोजर है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं कि मेरे ऊपर कुछ सवार हो गया था, कुछ करा दिया था मुझे किसी ने। शक्ति का खेल है। गांव की पटीदारी में जाके फंस जाओ, खत्म तुम्हारा खेल। जब तक तुम्हारा सिलेक्शन ना हो जाए किसी को कुछ मत बोलना। दो कंडीशन, एक तुम्हारी जान को खतरा ना हो और एक तुम्हारे स्वाभिमान पर खतरा ना हो। अब तुम्हारे फादर की तरफ कोई कुल्हाड़ी लेके दौड़ रहा है तब तो मारना ही पड़ेगा। बाकी एकदम मान लो कि तुम भिखमंगे हो, मरे हुए। हाँ भैया, और अपनी सारी शक्ति लगा दो अपनी तैयारी में। भूल जाओ कि तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, भारतीय हो, बिहारी हो, पंजाबी हो, सब कुछ डिलीट मार। बस पढ़ो, बैठ पढ़ो, जिम जाओ और मंदिर जाओ, बस तीन काम करो। मतलब तुम्हारा जो भी मंदिर हो, जहां भी तुम जाते हो वहां जाओ, और कुछ करो ही मत। पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, पैदल चले आओ यहां से उन्नाओ, फिर भी नहीं कर रहा है लखनऊ तक चले आओ। अपने मन से पूछो कि अब कर रहे हो। नहीं भैया कर रहा हूं। हाँ बताना अगर नहीं कर रहे हो, और बढ़े आगे नेपाल तक। अपने को दंड देना सीखो। हर आधे घंटे पे चाय पीने बाहर मत जाओ कि मूड फ्रेश कर ले। देखो गर्लफ्रेंड के साथ लोग मोती झील में बैठे चार चार घंटे से, वहां मूड ही नहीं फ्रेश कर रहे। तुम कभी उनके पास जाओ चाय वाय लेकर कि भैया चार घंटे से बैठे हैं, चाय पी लीजिए, मूड फ्रेश कर लीजिए। नहीं नहीं मेरा फ्रेश है, वहां नहीं मन कर रहा। वहां उनको सिगरेट की तलब नहीं लग रही है, वहां उनको चाय की तलब नहीं लग रही। ये पढ़ते वक्त ही क्यों मूड फ्रेश करने की मांग उठती है कि 20 मिनट के बाद कर रहा थोड़ा सा मूड फ्रेश कर ले। क्या हो गया है तुमको? नहीं ऐसे ही एक कप चाय पी ले, आओ उन्नाव में पिलाएंगे आओ। तुम्हारी चाय पीने की तमन्ना ही मर जाएगी। किसी की बुराई हो रही है, चार चार घंटा बैठे हो, कोई मूड फ्रेश करने का डिमांड ही नहीं उठ रहा है। तुम कभी इसकी बारी हो, यही ध्यान है और क्या ध्यान है। ध्यान आरामखोरी करना थोड़ी कि 6 घंटे आंख बंद करके बैठे। ध्यान मतलब अपने मन को लगातार देखना। पढ़ने बैठे 20 मिनट में कह रहा है चाय पी लो। फिर 10 मिनट बीता, फिर कह रहा है यूट्यूब पे एक सीरीज देख लो, चलो एक गाना ही देख लो। जितने लोग अज्ञातवास में रहे वो बड़े महान हुए। पांडव रहे ना अज्ञातवास में, राम रहे ना अज्ञातवास में, कृष्ण रहे अज्ञातवास में, कौन नहीं रहा अज्ञातवास में। अज्ञातवास मतलब अपने आप को ताकतवर बनाना और फिर वहां से लौट कर आना इसी समाज में दोबारा। और दुबे जी बढ़िया भाई, ठीक है। हाँ और तुमको इतना मजा आएगा। वो सब जो लोग तुम्हें गाली दे रहे थे, कोई कह रहा था बाबा मठ में चले जाएंगे, अब बोलो बाबा प्रचार ही कर रहा था बुलडोजर पे खड़ा होके, बाबा का अगला चुनाव चिन्ह बुलडोजर है, अब बोलो। समाजवादी वाले गाना बनाए थे चल सन्यासी अनिल राजभर, कहीं नहीं 10 मार्च को 2 गाना बजेगा
मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, और दूसरा गाना बजेगा चल सन्यासी मंदिर में। आजकल कह रहे हैं कि बाबा जी बहुत अच्छे आदमी संत हैं, शक्ति का खेल है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं कि मेरे ऊपर कुछ सवार हो गया था, कुछ करा दिया था मुझे किसी ने। बाबा ने कहा ठीक है, हम तुम्हारा इलाज कराते हैं, असम से तांत्रिक मंगाएंगे। शक्ति है, अगर यही गेम पलट गया होता। सब शक्ति है।